हेलो दोस्तों, तो बात करेंगे मिडिलसेक्स वर्सेस सससेक्स के बीच में जो मैच खेला जाएगा उसकी हम ड्रीम इलेवन टीम बना लेंगे। और ये जो मैच है वो इंग्लिश टी20 ब्लास्ट का मैच है, तो आपको हम अब देखेंगे कि क्या हो सकती है इसकी ड्रीम इलेवन टीम। उससे पहले अगर आपने तमिलनाडु प्रीमियर लीग का ये मैच मैंने कवर कर लिया है, आपको इसकी टीम मिल जाएगी, मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हो। कम टाइम बचा है इसलिए आप इन मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर से आप उसमें भी अच्छा विन कर जाओगे। और वुमेंस के मैच की भी मैंने आपको ये टीम दे दी है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो मेरी वीडियो में जाके। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, और बाजू में जो बेल का आइकॉन है उसे भी दबा दो। तो आपको क्या होगा कि मैं जो वीडियो डालूंगा वो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप अच्छे पैसे विन कर लोगे। तो फिर देखेंगे मिडिलसेक्स वर्सेस ससेक्स के बीच में जो क्या हो सकती है ड्रीम इलेवन टीम। तो बात करेंगे क्या हो सकती है ड्रीम इलेवन टीम, तो उससे पहले मैं बता दूं आपको, आज हम बात करेंगे इसमें कि हमारे जो एक अच्छे कैप्टन कौन हो सकते हैं स्मॉल लीग के लिए, और वाइस कैप्टन कौन हो सकते हैं, और ग्रैंड लीग के भी कैप्टन वाइस कैप्टन मैं आपको बताने वाला हूँ इस न्यूज़ में। तो बात करेंगे क्या हो सकती है इसकी ड्रीम इलेवन टीम और परफेक्ट ड्रीम इलेवन टीम क्या हो सकती है, कैप्टन वाइस कैप्टन की डिस्कस कर लेंगे इस मैच में आपके लिए कौन हो सकते हैं, और ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन कौन हो सकते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। और क्या आपको ऐसे बहुत सारे प्लेयर दिख जाएंगे इस मैच में कि वो इस मैच में खेलते नजर नहीं आएंगे। एक जो मैं बताते तो आपको डेविड मलान इस मैच में 100% खेलता हुआ नहीं नजर आएगा, तो आपने अगर डेविड मलान को लिया होगा तो जल्दी से रिमूव कर दे। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, तो आपको अगर पता करना है कौन है वो बहुत सारे प्लेयर तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, तो आप जल्दी से वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को देखने के बाद एक लाइक भी जल्दी से कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो बात करेंगे मिडिलसेक्स और ससेक्स के बीच में क्या हो सकती है ड्रीम इलेवन टीम, तो देखते मैंने रखी तो देखेंगे ड्रीम इलेवन टीम। तो सेक्शन आपके लिए दो ऑप्शन है, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके लिए दो ऑप्शन है, एक है सिम्पसन और एक है मिचेल बर्गर्स, तो आप इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। मैंने सिर्फ क्रेडिट की प्रॉब्लम की वजह से बर्गर्स को लिया हुआ है, अगर आप चाहते हो तो सिम्पसन को भी ले सकते हो क्रेडिट मेंटेन करके। तो आपके लिए बता दूँ बर्गर्स अच्छे ऑप्शन, ये भी अच्छे है, दोनों ही अच्छे ऑप्शन है। थोड़ा अच्छे ऑप्शन जॉन सिम्स है, पर हमारे लिए ये भी अच्छे हो सकते हैं बर्गर्स, क्योंकि हमने अगर इधर सिम्पसन को ले लिया तो अगर हमारे जो अच्छे अच्छे प्लेयर है बैट्समैन वो छूट जाएगी, इसलिए हमने बर्गर्स को लिया हुआ है। तो बात करेंगे बैटिंग में, तो मैं बता दो आपको इसमें आपको लुक राइट फर्स्ट नंबर पे बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे, यूएन मार्गोन इस मैच में आपको सेकंड डाउन नजर आ जाएंगे खेलते हुए, फिर बता दूं डेविड मलान आपको इस मैच में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, तो लिया होगा तो जल्दी से डेविड मलान को रिमूव कर दे। तो बात करेंगे नीचे के ऑप्शन की, तो मैं आपको बता दूं नीचे हमने लिया हुआ है यूवन को आप ले सकते हो, यूवन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर अगर आपको लेना है किसी को तो हॉल्टन को ले सकते हो। फिर मैं बता दूं आपको टॉम ब्रूस, आज क्या तारीख है, 2 तारीख है आज, 2 अक्टूबर। तो बात करेंगे 2 अक्टूबर का क्या है इनके साथ खास, तो ये है इनका आज बर्थडे, तो हम इनके 2 अक्टूबर जो बर्थडे 1991 में इनका जो है जन्म हुआ था, तो इनके जो है हम इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे टॉम ब्रूस को। तो मैंने न्यूज़ निकाल रहा था तो मैंने एकदम से देखा कि इनका तो आज बर्थडे, तो हमको इनको हार्दिक शुभकामनाएं देनी चाहिए। तो आज के मैच में ये भी आपको इस मैच में खेलते नजर आ जाएंगे, बहुत कम लोगों ने लिया हुआ है, और अगर आप लेना चाहते हो तो ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर सकते हो और कैप्टन भी रख सकते हो, क्योंकि आज बर्थडे तो कुछ क्या कहे, आज अगर खेल गए तो अच्छा खेल गए तो आप विन हो जाओगे आसानी से, इसलिए टॉम ब्रूस का आज बर्थडे, तो आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप इसके लिए मैंने इनको आपको बताया है। फिर बात फिलिप साल्ट इस मैच में आपको खेलते नजर आ जाएंगे, आप अगर इनको लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर निक गबिन को मैंने लिया हुआ है, फिर इस्किनाजी को मैंने लिया हुआ है, आपको ये अच्छे प्लेयर खेलते नजर आ जाएंगे। फिर नीचे कोई खास ऑप्शन है नहीं हमारे लिए, सिर्फ मैक्स होल्डर को आप ले सकते हो जो इस मैच में खेलते नजर आ जाएंगे, बाकी ऑप्शन के साथ तरफ आपको देखना नहीं है। हमारी टीम में लुक राइट, फिर इवन, फिर मैं आपको बता दूँ कौन है, निक गबिन और शिव एस्किनाजी इनको हमने लिया हुआ है, ये 4 हमारे जो है बल्लेबाज है। फिर बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, बता दो आपको मैंने जो लिया है स्पूल ट्रेनिंग को लिया हुआ है, जो स्पिन गेंदबाजी फेंक लेते हैं और अच्छी खासी फर्स्ट नंबर पे बैटिंग करने के लिए आ जाते हैं, बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो आपको बता दो हमारे लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं स्मॉल लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, तो इसलिए हमने इनको लिया हुआ है। फिर डेविड विसी को आप ले सकते हो जो अच्छे खासे ऑलराउंडर है और बैटिंग ऑलराउंडर है। फिर बात करेंगे इस मैच में आपको कौन खेलते नजर नहीं आएंगे,
डेन ब्राउ इस मैच में खेलते नजर नहीं आएंगे। दोनों ऑप्शन जो है नीचे के दोनों ऑप्शन आपको खेलते नजर नहीं आएंगे। वैन जेन भी आपको इस मैच में खेलते नजर नहीं आएंगे। जॉफ्रा आर्चर आपको इस मैच में 100% खेलते नजर आ जाएंगे। और आपको पता है बहुत अच्छे गेंदबाज है और बॉलिंग ऑलराउंडर है ये, तो आपको पता तो मैं ये बॉलिंग तो अच्छी कर ही लेते हैं, पर 6 नंबर पे बैटिंग भी इनके आ जाती है, तो 6 नंबर पे 15-16 रन भी मार लेते हैं। तो अगर ये अच्छे हमारे लिए हो सकते हैं वाइस कैप्टन, क्योंकि ये अगर खेल 2 से 3 विकेट तो आसानी से निकल लेते हैं, क्योंकि ये है जो है डेट ओवर में गेंदबाजी करते हैं। तो आपको पता है डेट ओवर में जो गेंदबाज गेंदबाजी करता है तो उसके पास एडवांटेज होता है विकेट लेने का, तो इसलिए मैं इनको वाइस कैप्टन रख के चलूँगा इस मैच में। और कैप्टन हमारे स्पॉल ट्रेनिंग होंगे। अगर आपको नीचे किसी ऑप्शन के साथ जाना है तो जेम्स फॉकिंग के साथ नहीं जाना है, फिर बाद आस्टन अजर अगर के साथ आप जा सकते हो। अगर आपको किसी के साथ जाना है जो ये भी स्पिन गेंदबाज है और अच्छे गेंदबाज है, आप इनको ले सकते हो। फिर बात करेंगे नीचे कुछ खास ऑप्शन है नहीं, दोनों के साथ जाना नहीं है तो इसलिए मैं हमने इनको लिया नहीं है। फिर बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे लिए कौन कौन है, पॉल स्टीनिंग है, डेविड वेसी है और फिर है जॉफ्रा आर्चर, इन तीनों के साथ हम गए हुए। फिर बॉलिंग सेक्शन में आपको बता दूं कौन हो सकते हैं हमारे लिए, मैंने लिया है राशिद खान को। फिर राशिद खान के बाद मैंने लिया है आप क्रिस जॉर्डन को ले सकते हो, स्टेवन फिंच को ले सकते हो, डैन बर्गस को ले सकते हो। फिर नीचे कुछ खास ऑप्शन नहीं है, टैमी मिल्स को अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। मैंने जो ऑप्शन में लिए जो इनको मैंने लिया हुआ है, अगर आप चाहो तो टॉम मिल्स को ले सकते हो। फिर नीचे आपके लिए खास ऑप्शन नहीं है, फिर मैंने जो एक ऑप्शन लिया है वो है टॉम बर्बर, इनको मैंने लिया हुआ है, टॉम बर्बर को मैंने लिया हुआ है। अगर आप इनको लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो आपको अगर इनके इनके ऊपर डाउट होगा तो आप डायरेक्ट इनको ले सकते हो, क्रिस जॉर्डन को, ये आपके आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। फिर अगर लेना चाहो तो स्टीवन फिंच को आप ले सकते हो, इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को आप डायरेक्ट ले सकते हो, पर मैं इनको मेरी टीम में रखूंगा। फिर कैप्टन वाइस कैप्टन के बाद में बात कर लूँ तो पॉल स्टीनिंग मेरे कैप्टन होंगे और वाइस कैप्टन जॉफ्रा आर्चर होंगे। फिर बात करेंगे क्या हो सकते हैं फाइनल प्रीव्यू की, तो बात करेंगे क्या हो सकते हैं इनका हमारी टीम का फाइनल प्रीव्यू। तो देख लो मैंने गेम में ये टीम है और आप इनमें से किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन अगर रखना चाहो ग्रैंड लीग के लिए, तो मैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूँ, इवन का ऑप्शन है, राइट का ऑप्शन है, इनको इनको कैप्टन आप बना सकते हो, इनको वाइस कैप्टन बना सकते हो, ऐसा कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप करना चाहो तो खेल सकते हो। फिर बात करेंगे नीचे के ऑप्शन की, आप राशिद खान को कैप्टन बना सकते हो इस मैच में। आपको बता दूं राशिद खान भी बल्लेबाजी कर लेते हैं अच्छी खासी, तो इसलिए मैंने इनको हमारी टीम में रखा हुआ है। और दोस्तों अगर आपको मेरी टीम अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को, अगर मैंने आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बाजू में बेल का आइकन उसे भी दबा दो। तो दोस्तों थैंक यू।